सोच व नई तकनीक का मिश्रण है। नई शिक्षा नीति में आधुनिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी आदि क्षेत्रों को युवाओं के रोजगार संवर्धन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन क्षेत्रों के महत्व को जानते हुए अभाषिक की पहल पे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 2019 में 11 नए अटल एकेडमी AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमीज का घोषणा की थी। अभाषिक की इस पहल के अंतर्गत अब तक 499 संकाय विकास कार्यक्रम FDPs का आयोजन हो चुका है, जिसमें लगभग 70,000 से ज्यादा शिक्षकों की आधुनिक तकनीकों में आज 46 नए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा होगा। अब मैं अटल एकेडमीज के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ डायरेक्टर अटल एकेडमी एंड रीजनल ऑफिसर डॉक्टर आरके सोनी जी को। आज के आयोजन में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार व हार्दिक अभिनंदन। 17वीं लोकसभा के सदस्य यशस्वी व ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी व इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, जो वीडियो मैसेज के द्वारा हमसे जुड़ेंगे। हमारे दूरदर्शी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी, अत्यंत ऊर्जावान आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर MP पुनिया जी व पथ प्रदर्शक माननीय सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार जी। हमारे साथ देश के विभिन्न उच्च संस्थानों के मुखिया जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नसीम शर्मा, NVS निदेशक IIIT त्रिची, प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी, निदेशक IIT रुड़की, डॉक्टर मनोज सिंह गौड़, निदेशक IIT जम्मू, प्रोफेसर राघवेंद्र पी तिवारी जी, कुलपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा, डॉक्टर दुष्मंत कुमार दास जी, डायरेक्टर NIT नागालैंड, डॉक्टर मनोज तिवारी, क्षेत्रीय निदेशक NRO AICTE, मेरे सहयोगी डॉक्टर गिरधारीलाल गर्ग जी, सहायक निदेशक, मैडम नीतू भगत, अटल अकादमी के अन्य अधिकारी कर्मचारी, देश के विभिन्न संस्थानों के मुखिया, YouTube के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में YouTube के माध्यम से, Facebook और Twitter के माध्यम से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुड़े हैं विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, दर्शकगण व इन 46 FDPs में प्रतिभागी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, AICTE के अन्य अधिकारी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप सबका अभिनंदन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैडम नीतू भगत जी ने कहा कि पिछले साल माननीय मंत्री जी AICTE के सभागार में आए थे और उन्होंने पहली बार अटल एकेडमी की एक सूचना पुस्तिका का अनावरण किया था। इसके साथ में ही ये देश के विभिन्न शहरों में अटल एकेडमी की के प्रारंभ करने का भी उन्होंने की उद्घोषणा किया था। माननीय मंत्री जी ने एक विचार व्यक्त उस दिन किया था कि मैं एक साल के बाद दोबारा यहाँ पर आऊंगा और ये देखूंगा कि अटल एकेडमी का कार्य किस तरह चल रहा है, और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 19-20 में देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में कुल 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 10,000 प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रतिभागियों ने लाभ उठाया। मार्च 2020 में कोविड महामारी के कारण फेस टू फेस कार्यक्रम कराना संभव नहीं हो पा रहा था, परंतु इस समस्या को अवसर में बदलते हुए
हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मेमो सेक्रेटरी महोदय के निर्देशन और उनके उनके सपोर्ट से ये अटल अकादमी ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात पूरे देश में कुल 1000 ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम कराने की योजना बनाई गई। इस कड़ी में आज 46 संकाय विकास कार्यक्रम जो कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में शुरू किए जा रहे हैं, जो कि निम्नानुसार है। मुझे कुछ सेकंड का समय देंगे, मैं एक पीपीटी यहां पे शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये 46 संस्थान देश के विभिन्न कोने में हैं और ये उच्च संस्थान इस प्रकार हैं: KKR एंड KCR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आनंद फार्मेसी कॉलेज, डॉक्टर दयाराम पटेल फार्मेसी कॉलेज, डॉक्टर SS गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर, सार्वजनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीतम ऑफ कैंपस बेंगलुरु, श्री जय चमरेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ओशियन इंजीनियरिंग एंड अंडर वाटर टेक्नोलॉजी, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा, मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, स्वामी केशवनंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान SKIT जयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, NIT अगरतला, MT यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी MT यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, IIT रुड़की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC कोलकाता, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज वेस्ट बंगाल। ये बताने में मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ये जो 46 FDP हैं पूरे देश में कुल 22 राज्यों में कंडक्ट किए जाएंगे। इन 46 FDP में AICT के सभी 8 क्षेत्रीय केंद्र और कैंप ऑफिसेस इन्वॉल्व हैं। हम ये 46 FDP में कुल 35 एमर्जिंग एरियाज कवर करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिन एमर्जिंग एरिया में FDPs कंडक्ट होंगे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 5 और एनर्जी इंजीनियरिंग में 3 एंड सम अदर एमर्जिंग एरियाज। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, इस पूरे साल में 1000 हम FDP कंडक्ट करने की प्लानिंग कर चुके हैं, जिसमें से कि 499 FDP ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं और आज 500वां प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस 500वां प्रोग्राम के साथ में कुल और 46 प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं और ये 1000 FDP में कुल 1,00,000, ये 1,00,000 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि 1,00,000 से ज्यादा होने जा रहा है क्योंकि 70,000 प्रतिभागी ऑलरेडी इसमें भाग ले चुके हैं।
इस स्लाइड में अटल एकेडमी की जर्नी के बारे में जानकारी यहाँ पे है। अब देख पा रहे हैं कि 18-19 में कुल हमने सिर्फ 5 ही एफडीपी कंडक्ट कर पाए। वास्तव में 18-19 में फरवरी मार्च में अटल एकेडमी की फंक्शनिंग शुरू हुई और एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने सबसे पहले 5 एफडीपी विभिन्न संस्थानों में शुरू किए। लगभग 1000 प्रतिभागियों ने इस पर लाभ उठाया। पर नेक्स्ट ईयर ही 19-20 में 200 एफडीपी कंडक्ट करने की प्लानिंग की गई, जिसमें से हम मात्र 190 एफडीपी कर पाए। 10,000 प्रतिभागी इसमें भाग लिया, उसमें लाभ उठाया। 10 एफडीपी हम कोविड महामारी की वजह से नहीं कर पाए। आपको ये बताते हुए दोबारा मैं ये बताना चाहूंगा कि 2021 में 1000 एफडीपी कंडक्ट करने जा रहे हैं और उसमें से 1,00,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जब हम ये 1000 एफडीपी कंडक्ट कर पाएंगे और 1,00,000 से ज्यादा प्रतिभागी इसका लाभ उठा पाएंगे, तब ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस पूरे साल के प्रयास को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया है और इसकी भी घोषणा आज माननीय मंत्री जी के वीडियो मैसेज के द्वारा की जाने वाली है। इतना ही नहीं, ये एफडीपी इमर्जिंग एरियाज के साथ 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 हमारे जो शिक्षक हैं उनको ऑनलाइन टीचिंग में किस तरह की दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए ऐसे 8 एफडीपी ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड क्लासरूम में कंडक्ट किए गए हैं और ये 8 एफडीपी दोबारा भी किए जाएंगे। ये इन 8 एफडीपी की डिमांड हमारे शिक्षकों के द्वारा बहुत ज्यादा आ रही थी और इसलिए इन एफडीपी को हम दोबारा करने जा रहे हैं। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ AICTE रेगुलेटेड टेक्निकल कॉलेजेस के शिक्षकों को बल्कि CBSE के शिक्षकों को भी अटल एकेडमी के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आज ऐसे 2 एफडीपी आज भी शुरू हो रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ CBSE के शिक्षकों के लिए भी है। CBSE के शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में ऐसे 5,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण अटल एकेडमी के द्वारा दिया जाएगा। आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी एफडीपी हो रहे हैं, जैसे मैंने नंबर बताया 1000 एफडीपी होंगे और इन सभी एफडीपी के लाइव सेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और इन रिकॉर्डेड सेशन को AICTE के वेबसाइट में शिक्षकों को बाद में देखने के लिए ये AICTE की वेबसाइट में अपलोड किया जा रहा है। ऐसे 300 एफडीपी के रिकॉर्डिंग AICTE की वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। जब ये पूरे के पूरे 1000 एफडीपी के वीडियो रिकॉर्डिंग AICTE की वेबसाइट में अपलोड होंगे तो लगभग 22,000 घंटे की रिकॉर्डिंग जो कि इमर्जिंग एरियाज में एफडीपी की होंगी, देश के और विदेश के रिसोर्स पर्सन इस पे जो सेशन लिए होंगे वो सारी रिकॉर्डिंग इस पे हमारे देश के शिक्षकों के लिए, रिसर्च स्कॉलर के लिए और PGU स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत है और आप सभी को यहाँ जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद मैडम नीतू भगत, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बहुत अच्छी पहल के लिए और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे अभाषी परिवार को बहुत बहुत बधाई। अब मैं हमारे रीजनल ऑफिसर डॉक्टर मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अटल एकेडमी फंक्शनिंग एट रीजनल ऑफिसेस प्लीज शेयर करें। मैडम मेरा एक अनुरोध है, हमारे माननीय चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे साहब जुड़ चुके हैं और चूंकि हमारे चेयरमैन साहब प्रवास में हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके सिग्नल हमारे पास ना रहे। मैं मनोज तिवारी जी से क्षमा चाहूंगा और मैं हमारे चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पहले एड्रेस करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है। हेलो नमस्कार, आवाज सुनाई दे रहा है? थैंक यू सोनी जी फॉर इंटरवीनिंग एंड अलाउइंग मी टू स्पीक फर्स्ट, ऑल्दो माय नेम वाज लास्ट इन द लिस्ट
because the connectivity is not certain, you know, suddenly it will come and go. Fortunately, it has been ongoing right now. So let me speak for a while. सबसे पहले माननीय मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी जो आज ये 46 FDPs का लॉन्च होने जा रहा है उसमें सहभागी हो रहे हैं और ये 500वां है. We have crossed 500 faculty development programs out of the planned 1000 and it has been already declared as a world record as already said by Dr. Soni. And we have with us several directors of IITs, triple IITs. Some of them include Professor Chaturvedi, director of IIT Roorkee, Professor Gaur from IIT Jammu. We have Narasimha Sarmaji from IIT, triple IIT Trichy. We also have Vice Chancellor Tiwari ji from Punjab University and many others who are participating. On 23rd, we have 46 workshops. तो 23rd डेट को 46 आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं. कभी कभी 30 तारीख को हम 60 वर्कशॉप्स एक साथ में शुरू हो गए ऐसे ही. तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा सिलसिला जारी है. वी ऑल आर अवेयर दैट AICTE व्हेन इट स्टार्टेड रिवाइजिंग द करिकुला इन विच वी हैड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. डॉक्टर गौर वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विद रजत मुना एंड दे क्रिएटेड कोर्स फॉर AI, IoT, machine learning, deep learning, what all we need to teach in these courses. And having done it, our own faculty members in different engineering colleges, since they graduated 10, 20 years ago, were not aware of all these courses. And therefore, there was a need for training them. And that is how the book of Atal Academy started. I am aware of these niche areas or the emerging areas, which Dr. Mohan Reddy, Chairman of Board of Governors of IIT Hyderabad actually gave this idea that we must have programs only in the emerging areas so that the graduates will not only be employable, many of them will become entrepreneurs and create new startups. And that is how we had changed the curriculum. But now training of faculty was the need. And 2 years ago, in one of the programs in Jaipur, when Prakash Javadekar ji was the Minister for HRD, we announced that we will start what is known as Atal Academies, one in Jaipur itself. The polytechnic area was given to us for starting the program, and then even land was given for constructing the building. We already had buildings in Trivandrum, and we had planned one in Guwahati and one in Baroda. So we started with 4, but subsequently many more states have come forward, including Karnataka, Uttarakhand, and other states who are ready to give land to us for setting up Atal Academies, where round the year, teacher training programs will continue. We also have 4 NITAs already. I think we will restrict to about 5-6 Atal Academy centers, which are Atal Academies, and also 4 NITAs together. There is a teacher certification program of 8 modules, which is already launched in the form of SWAYAM program. And now this Atal Academy program for faculty development in variety of emerging areas. The areas given by Dr. Mohan Reddy was the beginning, but we have similar, you know, emerging areas in civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, aerospace. All of them have become part of this Atal Academy programs. And this year we are having 1,000 such Atal Academy programs of full 5 days duration. And fortunately, the COVID crisis has turned us into getting a big opportunity. And we started off from face-to-face mode to the online mode. And in the face-to-face mode, we were in a position to get only 50 faculty or 60 faculty per program. Now today we have 200, 300 faculty joining each FDP and faculty experts who deal with this, and also industry people who come and deliver lectures on these emerging areas. They are from all over the globe. They are not necessary to be within the same campus or same institution, not only within the country, but even from abroad. Only thing is, sometimes we have to match the timetable. If a person is coming from US or from Japan or Australia, we match the timetable in a manner that they are also in a position to deliver their talk and engage with our faculty members, training them. And we conduct tests.
and at the end of tests, only after they attend all the classes, attend the tests, and only then they get a certification. I think it is a serious business. Many people were saying that in an online mode, how do you guarantee that they are learning? I think learning is tested through evaluation system also. That is where we are leading to. I'm sure our faculty, after getting trained, in turn will go back to their regular classes, train their students in turn, creating employable engineers and create startups emerging from the campuses. I call the experts. I've named only few of them who are there, who are going to speak after me. But I'm sure there are 46 centers. Therefore, several of them will not get opportunity in this opening session. I'm sure, Soniji, you must make an arrangement for interaction between all these 46 centers so that they also share their best practices with each other. I think sharing of best practices is other important activity which Atal Academy has to do, and is going to do it. With these few words, once again, thank you for allowing me, and I will continue to be here as long as internet permits me, and hopefully the entire program as well. Thank you very much. Thank you very much, sir. Under your mentorship, these programs are happening, so we are really thankful to you. Now I request Regional Officer AICT, Dr. Manoj Tiwari ji, to share the functions of the laboratories at Regional Officer. आप लूज कॉन्टेक्ट है शायद, आप उसको निकल दीजिए. यू रिमूव. डॉक्टर तिवारी, आपके उस पे लूज कॉन्टेक्ट होने की वजह से नॉइज है. मैं अगर ये नॉइज है तो मैडम नीतू भगत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आगे चलेंगे, और फिर डॉक्टर तिवारी को दोबारा हम उनसे अनुरोध करेंगे बोलने के लिए. Dr. Naseema Sharma ji, Director, IIIT Trichy, to address the participants. Namaskar. It gives me immense pleasure. Am I audible, madam, please? Hello. Yes, sir, you are audible and clear. Yes, namaskar. It gives me immense pleasure in welcoming the dignitaries for the inaugural ceremony in the esteemed presence of our Honorable Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank, Professor Anil Sahasrabuddhe, Chairman AICTE, Dr. Ravindra Kumar Soni, Director Atal Academies, Coordinators, Academicians, Participants, Research Scholars of various institutions and other dignitaries for the 5-day online faculty development program funded by Atal. I am really proud to say that the Atal Academy, under the aegis of AICTE, organizing the inaugural ceremony of 46 AICTE Training and Learning Academy faculty development programs and 500th FDP is for upgrading knowledge of faculty members throughout India. AICTE has taken a noble initiative of bridging the gap by training faculty members, which in turn will guide the students in new emerging areas. The Academy initiates empowering faculty to achieve goals of higher education such as access, equity, and quality. Indian Institute of Information Technology, Tiruchirappalli, takes pride in organizing the ATAL program on the remarkable sophisticated technology such as VLSI and IoT to enrich and train faculty members and research scholars.
IoT is one of the rapidly growing technologies that define the future of our world. Tech analyst companies such as IDC and Gartner foresee escalation in the use of IoT devices in several enterprises, automotive sector, home IoT market, and healthcare domain. Deployment of such a powerful technology will impact the total economy in the range between $4 and $11 trillion per year by 2025. Further, the necessity of the moment fosters cybernetics and its applications to accommodate the requirements during the pandemic. Contemporary society adapts the radical revisions, alterations, and advancements as accessories to withstand the circumstances and to make strides. Use of such dynamic, revolutionary, and smart technology vests confidence in functioning even through a pool of hurdles. Yes, today's FDP is a practical example. Therefore, the program is indeed an opportunity for the participants to understand and experiment with a spirit to become designers of tomorrow. The training sessions during the program ascertain intellectual development through the exploration of aspects related to IoT. I believe that the next 5 days will be a great learning experience for every one of you. Jai Hind. Over to you, madam. Now I request Director of IT Roorkee, Professor Ajit K. Chaturvedi ji, to address the participants. Professor Anil Sahasrabuddhe, Professor M.P. Punia, Director of Atal Academy, Dr. Soni, fellow colleagues, directors and vice chancellors of institutes and universities. I think it's a very, very laudable achievement by AICTE under the leadership of our Honorable Education Minister, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, whose video message we are going to hear shortly, that such a big emphasis has been laid on faculty development programs. And I'm really pleasantly surprised to see that the target for this year is 1,000 courses in modern areas of science, technology, and different disciplines. This kind of courses can actually transform the landscape of the country, because I can see that there has been a very enthusiastic participation in the two courses that IIT Roorkee has launched. One is getting inaugurated today, and another one was done about 2 months back. And in both the courses, we saw that the limit of participation by AICT, that is the limit of 200, has been breached. And a large number of people were in the waiting list. One course was on modeling and simulation of energy systems, and another course was on electrochemical energy conversion and storage. And both of these courses are very relevant to the development of the country. And so it was not a surprise to see that the participation has been so enthusiastic. I'm sure that the leadership of Professor Sahasrabuddhe is guiding AICT in all these activities and taking it to newer heights. I'm sure that this can be a game changer, in the sense that it not only brings multiple institutes on a common platform when you do such a common inauguration function, but it also increases the visibility of such courses. And if the visibility is more, then more and more participants can come and avail benefit from these courses. I wish the courses under Atal Academy all the success, and I also wish this inaugural program great success. Thank you. IIT Jammu Director, Dr. Manoj Singh Gaur ji, to please address the participants. Yeah, thank you very much. Good morning to all the participants, colleagues, and the chief guest, Honorable Shiksha Mantri ji, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Professor Anil Sahasrabuddhe, always energetic, dynamic, and pushing people to the core. Who is chairing AICT for a long time and creating new milestones. And Professor M.P. Punia, Vice Chairman AICT, Professor Chaturvedi, and other colleagues at IIT Trichy and Central University of Punjab, and our own Dr. R.K. Soni, Director at Atal Academy.
In addition to that, I believe many coordinators and participants of ATL courses are attending this function. This is a unique inaugural ceremony combining 46 ATL programs. I'm using this opportunity to brief you all about IIT Jammu. We are one of the third generation IITs established 2016 at the foothills of Himalayas with a very humble beginning of 3 BTech programs in computer science, mechanical, electrical. Now we have grown to 6 BTech programs and multiple MTech programs as on 2020. Overall 10 departments, 840 students at our place. The institute is striving to provide cutting edge academic research infrastructure, fulfilling the aspiration of the country. We are establishing a highly sophisticated central research teaching facilities as well as high performance computing. We have created our own research based growth strategy, which is tuned to giving back to society in translational nature. Recently, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, after a long deliberation, has approved what we call as National New Education Policy, NEP 2020, making way for much desirable large-scale transformational reforms in both school and higher education. NEP 2020 is the first education policy of 21st century and opened up many opportunities for new institutions like us. Built on foundational pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability. This policy is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development and aims to transform India into a vibrant global knowledge superpower. I believe ATL initiative is a step towards that goal of NEP 2020. ATL FDPs from their inception are playing very important role for the holistic development of higher education by providing the highly skilled training to the faculty members across geographical locations. This year, the online or VC mode of ATL has converted the post-COVID challenges into an opportunity at the scale we never thought of. And AICT initiative is laudable. I'm sure ATL FDPs will also continue to assist the faculty members to upgrade their research and development and teaching capacities. IIT Jammu is committed to provide full support to the mission of ATL Academy. We already organized 3 ATL FDPs. Last month, online FDP on sustainable engineering was organized to address the recent innovation materials and manufacturing aligned with Make in India initiative of Government of India. In the current group, another online FDP on tribology and design manufacturing is starting as on today. The response is overwhelming, and we breached again the number of 200. The term tribology covers the domain of friction, wear, and lubrication. Improved tribology practices can contribute to the GDP of nation by saving the materials and optimizing energy use. At the end, our congratulations to Dr. Soni and his ATL team for conceiving and organizing this unique inaugural ceremony of 46 ATL FDPs. Thank you very much. Madam Neetu Bhagat, it's over to you. Neetu Bhagat. Neetu, please invite another panelist. Please invite. Take over, Soniji, take over. Yeah. Extremely sorry, there is some issue. Now I request the Honorable Vice Chancellor, Central University of Punjab, Bhatinda, Professor Raghavendra P. Tiwari ji, to address the audience, please. Yeah. Professor Tiwari. Good morning, all of you. Honorable Chairman AICTE, Sir Sash Budde ji, all my fellow panelists. Dr. Soni, Dr. Punia, Vice Chairman AICTE, Member Secretary AICTE, Professor Rajiv Kumar,
all head of the institutions of 46 institutions and their participants. You know, lot has been already said about Akal Academy, Atal Academy, and its contribution for training teachers of our country in cutting edge areas, emerging areas of science and technology. I'd say differently on some new aspects, like you know, this program is unique in the sense that it's not only providing opportunities for engineering graduates and engineering faculty, engineering and technology faculty on emerging areas, but also traditional universities like Central University Punjab, like Dr. Hari Singh of Vishwavidyalaya Sagar, where I was working as a vice chancellor. We don't have any engineering and technology related department, and in the other scopes of universities we have simply computer science department. And you know, this program, this Atal program, provides opportunity for students, research scholars and teachers of traditional universities also to learn emerging technologies, new areas, and develop competencies at the international level and get job and be innovative and be skillful. So this is another uniqueness of this very program, and for this my compliments to Professor Hasbudde, Dr. Soni, Dr. Puni and all other esteemed officers of AICTE. I have one suggestion, and that is, you know, all these programs which are starting today, 46 programs, and all the programs which were done earlier, you know, these have potential to be developed as at least 2 credit MOOCs, number one. And in addition to this, even these have potential to be developed as 2 credit open elective courses to be offered by traditional universities. Engineering and technology institutions are already doing these programs anyway. But if you want to leverage benefit of these programs, which is a very unique initiative, to traditional institutions and students and teachers as scholars of traditional institutions, these can be developed as open elective programs to be offered, and this will certainly bring the type of multidisciplinarity that we are envisaging through NEP 2020 and the type of transdisciplinarity that we want to inculcate in our students and teachers to be competitive globally. So this, if this is done, I am sure this can be done. So through this, you know, we can certainly enlarge the canvas of this Atal Academy and its contribution to technical learning, to learning in the emerging areas, and which are now really becoming part of our life. The entire culturalization process now depends on the use of and how much we leverage the use of this to the benefit of the society. That is where the future of this country lies, and through this initiative we can really empower our youth to become globally competitive. So therefore, my compliments again to Dr. Hasbudde, Dr. Soni and all other members of AICT, and also my compliments to Honorable Minister of Education, who is in fact catalyzing force after this, as I was told. And also my congratulations to Honorable Minister for getting international award, Vatayan International Award by Vatayan UK organization, for his enormous contribution in the area of literature alongside in social life and political life. So my congratulations to Honorable Minister. And with this few words, I would like to close. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I hope I'm audible now. Yes, Professor I request. Audible, ma'am. Please carry on. Thank you. I request Director NIT Nagaland, Dr. Venu Gopal ji, to please address the participants. Respected Professor Anil Sahasrabudde, Chairman AICT, Professor Bunia, Dr. Soni, directors of other eminent institutions, and the participants of these 46 Atal programs and coordinators, good morning to all.
This ACAD program indeed an excellent initiative. We have to thank Professor Anil Sahasrabuddhe for introducing this and taking it to a major scale. Indeed, NIT Nagaland has benefited out of that in many ways. One is, we have so far conducted 9 such programs, particularly in the frontier areas of research in the area artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, and cyber security. You see, the future is for industries are for robotics and automation. For this AI and VR technology are very, very, very helpful. So the ATEL program has given most of the topics in this frontier area, which we can work. And as per our NEP 2020, it is our commitment to promote multidisciplinary and interdisciplinary research areas. So certainly this helps. And with this network, even Nagaland, NIT Nagaland has trained more than 2,000 participants in the 8 program. You see, travel to Nagaland is very tough. Even in the physical program, we cannot mobilize to reach these people. So it is one of the very good opportunity for us to reach all and teach them as well as to interact with them. And another important thing what we have realized, because the participants are studious and they are coming out, and now at present we have taken this course for training, especially CBSE teachers, that is on artificial intelligence, which is on our strength of this NIT Nagaland, artificial intelligence and IoT, VR and AR. So definitely we have to, this will not only enhance our PG and research scholars, but also it will incorporate this type of modern topics and multidisciplinary orientation to the school children. So with this, and another thing also, this also we are collaborating with this AICTE, and we are planning for ahead with 4 more programs on this this year to complete this. So this provides an immense opportunity, and we have to work. And particularly, the future is for robotics and this automation. Then we have to teach only these type of areas which help instead of conventional thing. And in Northeast, the industrial development are required, and that industrial development major investment towards infrastructure and other things difficult. So these type of industries or manufacturing industries which oriented towards robotics as well as this automation require a cluster of groups like IT industries and like cluster of groups in the IT industries, and also it won't require the physically work together. We can work from other parts and assimilate and make development. This also gives an unique opportunity. We thank ATEL Academy for providing opportunity to participate in this event and also training not only other faculties. By this process, we also trained to take handle this type of new subjects and also to teach them. Once again, I thank ATEL Academy for giving us opportunity to flow these programs and interact with so many intellectuals. And also, it helps us in building up of our leadership as well as that knowledge potential in our country. I wish all the best for the participant to learn more, and also I wish ATEL program to give much more opportunities to all the other institutions to conduct such programs. Thank you. Jai Hind. सदस्य सचिव और हमारे पद प्रदर्शक प्रोफेसर राजीव कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभी को संबोधित करें। थैंक यू नीतू मैडम। ऑनरेबल चेयरमैन AICTE प्रोफेसर अनिल डी शास्त्रबुद्धे, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर एमपी पुनिया, डॉक्टर गौर डायरेक्टर IIT जम्मू, प्रोफेसर चतुर्वेदी डायरेक्टर IIT रुड़की, डॉक्टर नरसिम्हा डायरेक्टर IIIT त्रिची, Vice Chancellor of Central Universities, Bathinda, Professor Tiwari, Professor Dr. R.K. Soni, Dr. Neetu Bhagat, Dr. Girdhari Lal, Dr. Manoj Tiwari, all my colleagues from AICTE,
and the faculty members and the directors of the institutes, those who are conducting or those who are attending these faculty development programs, and my dear faculty members. From core of my heart, first of all, I congratulate Atal team, AICT Atal team, for putting their name in the world records. They have conducted 500 faculty development programs and already trained around 70,000 faculty members. And we are planning to conduct 500 more faculty development programs up to March 2021. So it's a great achievement. And the quantum of work and the professionalism that has been shown by AICT Atal team is marvelous. So they all deserve appreciation from AICTE. Now, as our honorary chairman already pointed out, that we prepared a prospective plan under the chairmanship of Professor B.R. Mohan Reddy, who is the chairman of IIT Hyderabad. And that prospective plan was prepared with the help of all industrial organizations in the country. And that prospective plan of technical education was adopted by AICT Council in 2017. Without wasting any time, 2018 rather, without wasting any time, we started working on the recommendations of the Mohan Reddy's report. And one of the recommendations was that we should not give approvals in the traditional branches. We should give approvals in the identified branches, identified areas, these that we call the thrust areas. And we all know these are AI, IoT, machine learning, AR, VR, robotics, quantum computing, 3D printing, all these, they were the identified thrust areas. So we accepted that recommendation and we have not given approvals in traditional branches, only in the identified thrust area. And the problem was that we are giving approvals only in the thrust area, then who will teach all these programs? Because the faculty who are there in the colleges, they obtained their qualification 5 years, 10 years back. So at that time, all these new technologies, they were not very prominent and not part of the curriculum. So immediately we realized this thing, and Atal, and that is the origin of that Atal Academy. And origin of this Atal Academy, in first year, we could train because we were also learning. We were asking the resource persons to come to the AICT and impart this training. And in first year, we could train only 1,000 faculty members. And next year, we trained 10,000. And then this year, current financial year, initially we planned 300. Then when this pandemic gave us this opportunity, we changed the target to 500. When we are able to complete 500 by this month only, then we increase our target to 1,000. So this is the power of the technology. If we use this technology in the right spirit, in the right way, then definitely it is a great power and the opportunity also. So we utilize this technology and the opportunity, and we are expected to train around 150,000 teachers in thrust areas. So, and this was the one important milestone. Another important thing, which Dr. Soni already pointed out, that we could bridge a gap between the premier institutions and the institutions situated in big AICT approved, that are situated in remote areas, in villages, in B category towns, and in hills also. So this is the time we could bridge the gap. And all these IITs, because NITs and the Institute of National Importance, they were conducting this faculty development program. So there was a bonding between all the faculties, those who are attending this faculty development program conducted by the premier institutions. And this bonding is helping them to taking forward the research initiative or anything arises out of the curriculum in future also. This is one area we have done a marvelous thing. Another thing which Dr. Soni already pointed out, that in India, there is always a big gap between school education and higher education.
because all these higher education and the school education both are working in silos. So there is no connect at all. So we thought that we organized meeting with CBSE. CBSE came forward and we immediately decided that we should conduct faculty development programs for school teachers also, because these students, they are the input for the higher education. So we immediately started, and as a pilot project, we are conducting 10 faculty development programs. And these faculty development programs, again, they are being conducted by IITs, NITs, and premier institutions. So this, you can see the power of the technology, and with small initiative, we can bridge the gap between, we are bridging the gap, not here. So far, we can, I cannot claim that we have bridged the gap, but we are trying and we are bridging the gap between the school education and the higher education, and the higher education big a category institute and the institute of importance, national importance. So this is the big achievement. AICT at least is under the leadership, able leadership of our beloved chairman, Professor Anil D. Sahasrabuddhi. He is so visionary. He is giving us direction. But our team at the lower level, it's very, very efficient, and they take forward all the directions given by our honorable chairman, and they are implementing all these directions in the right spirit, in the right manner. With all these words, once again, I congratulate our AICT Atal team, and I welcome all the participants, those who are attending these faculty development programs through Atal Academy. With all these words, Namaskar, Jai Bharat. Thank you very much, sir. I have received a message that technical issue at NRO has been resolved. So I request Dr. Manoj Tiwari ji to share the functioning of Atal Academy at regional offices. Sir, problem is still there? No problem. Nahi hai. Abhi aap clear hai? Ji. सभी को मेरा सुप्रभात. आदरणीय एवं परम श्रद्धेय माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, आदरणीय अनिल सहस्रबुद्धे सर, अध्यक्ष अभासिप, आदरणीय एमपी पुनिया सर, उपाध्यक्ष अभासिप, आदरणीय सदस्य सचिव सर, एवं उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणमान डायरेक्टर्स, जिसमें कि ट्रिपल आईआईटी त्रिची के डायरेक्टर, आईआईटी जम्मू, आईआईटी रुड़की, एनआईटी नागालैंड, VC of Central University of Punjab, Director Atal, एवं Regional Officer at WRO, सोनी जी, और हमारे सभी मित्र बंधु जो अटल टीम के सदस्य हैं, और जो रीजनल ऑफिसर्स जो कि विभिन्न रीजनल ऑफिसर्स में मेरे साथ इस सुबह जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम. मेरा आज ये सौभाग्य है कि अटल FDP के उद्घाटन समारोह में, जिसमें कि आज 46 FDP प्रारंभ हो रहे हैं, यह कहते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मार्च में जब से लॉकडाउन लगा, तब से हम लोगों ने आज तक 500 से ज्यादा FDP हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि जैसा आपने बताया कि 499 हम FDP अटल के तहत किए गए हैं, जिसमें नई विधाओं में दिया गया प्रशिक्षण है, 12 हम लोगों ने जो CBSE के लिए किए हैं, और 8 ब्लेंडेड लर्निंग के लिए किए गए हैं, जिसमें सभी रीजनल ऑफिसेज का समान रूप से लगभग वितरण रहा है. इसके लिए मैं अटल टीम को धन्यवाद देता हूँ. उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर ने इस प्रोग्राम में अभी तक लगभग 61 FDP करा दिए हैं, जिसमें कि उत्तराखंड और यूपी में लगभग 54 FDP हुए हैं, जिसके माध्यम से 1000 शिक्षकों को नई विधाओं में प्रशिक्षित किया जा चुका है. इसके साथ ही जैसा कि आपको बताया गया कि अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ और प्रोग्राम किए हैं, जिसमें कि 44 FDP उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय को सुवृत किए गए हैं, जिसमें आने वाले 3 महीने के अंदर हम लोग लगभग 7000 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे. तो ये जो FDP है, इसमें हमें इतना अच्छा लग रहा है आज कहते हुए ये, कि जब एक महामारी जो पूरे विश्व को जब गिरफ्त में लिया, तो उसको एक चैलेंज के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया, और जो FDP हम पहले फिजिकल मोड में करते थे, उसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करते हुए पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक लगभग के लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया, जिसमें से लगभग 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है. और इस सभी कार्यों में रीजनल ऑफिस के जितने भी हमारे बंधु हैं, वो हमारे अभासिप की लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी को अपने मार्गदर्शन से किस प्रकार अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, यह करके दिखाया है. और मैं हमारे
माननीय सदस्य सचिव महोदय को ये आश्वासन देता हूँ कि आपने जितना भरोसा किया है रीजनल ऑफिसेस पे और अटल टीम पे और आपके सभी साथ काम करने वाले लोगों पे, हम लोग उसको दिन रात मेहनत करके हमेशा के लिए आपको ये आश्वासन देते हैं कि इसी तरह से आगे लेके चलेंगे। और जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी का एक सपना है कि हम कैसे रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बने, तो आपको जरूर ये जानकर हर्ष होगा, आज भी जब भी आप कहीं से सुनते होंगे तो आपको उस परिवर्तन की झलक दिखाई देती होगी। तो इस माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैं और हमारी जो टीम है, जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, सभी लोग आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इस एफडीपी को, जो अटल के एफडीपीज हो रहे हैं नॉर्दर्न रीजन और सभी रीजनल ऑफिसेस की तरफ से, मैं हमारे कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोगों का जो सहयोग है इसमें वह बहुत ही ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से ये सक्सेस हुआ है। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर जो इसको भाग लेके सक्सेसफुल बना रहे हैं, उनको भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं इसमें पूरे देश के और दुनिया के, उन सभी को मैं इस बात में जरूर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनका अगर आप देखें कि एक बार जैसे ही वहां से दिल्ली से ये चीज अप्रूवल होके आता है तो रीजनल ऑफिसेस अपने काम में लग जाते हैं और लगभग लगभग सभी लोगों को फंडिंग हो या उसके अलावा कोई भी सुविधा हो, वो हमेशा देने का काम करते हैं। और मैं आश्वासन देता हूं हमारी लीडरशिप को कि हम लोग इसी तरह से दिन रात मेहनत करके ये काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ वी रिक्वेस्ट आवर मेंटर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ एआईसीटी प्रोफेसर एमबी पुनिया जी टू शेयर दिस विजन विद अस। थैंक यू डॉक्टर नीतू, गुड मॉर्निंग। Respected Professor Anil Sastrabhude ji, visionary leader of technical education in the country, Professor Veni Gopal ji, Professor Ajit Chaturvedi ji, Professor Manoj Gaur, Dr. Narasimha Sharma ji, Professor R.P. Tiwari ji, my colleague, my friend Professor Rajiv, Dr. R.K. Soni, Manoj, Dr. Neetu, Girdhar Lal ji Garg, the participants who are connected today. It's a very, very special day today. Special day, I'm saying in the way, first of all, 46 programs we are conducting simultaneously online mode, and prominent institutes of the country are connected. They are sharing their knowledge, their resources to hold technical education in the country where around 8 million students are studying. So it's a wonderful, wonderful opportunity and wonderful bonding, in fact, among all the topmost institutes in the country with AICT. So first of all, that integration is taking place. Second one, Andaman Nicobar, where Honorable Chairman Sir is staying now, he is on LTC. He is connected. Jammu and Kashmir, which is another part of the country, that they are connected. Nagaland is connected. So it can be proved from this one that connectivity, which it has been developed in the country, now it is available. Strong connectivity is available in whole country, whatever the remotest corner of the country may be. We can connect, we can provide this type of education where new education policy is dreaming that online education through which gross enrollment ratio of the country should enhance, access, security, affordability, everything should take place, where anyone who is dreaming for higher education, they should be able to enter into this one, and quality education to the students can be provided. So it's a wonderful, wonderful dream which country is having, that is getting fulfilled, and it is proved that India is becoming now something very special nation. It is new India. There is no doubt about this one. Third one, our Honorable Minister, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank ji, he has received one very prestigious award that has been given by Vatayan UK. It is on 21st of November that award it has been given. And name of the award is, in fact, Lifetime Achievement Award. It is Antarashtriya Sikhar Samman. It is very prestigious, and this Samman before our minister, it has been given to Javed Akhtar, it has been given to Prasoon Joshi, it has been given to Nida Fazli, it has been given to Kumar Bachchan. So that type of prestigious award our Honorable Minister has been given, and in the field of literary, Saitya, the writer, great writer, visionary leader, under his dynamic leadership, this new education policy is getting implemented even in tough situation where this pandemic situation is there that time, JEE examination, NEET examination, everything it has taken place.
and even we don't know that any sort of disturbance is there in the country due to this pandemic. Everything smoothly it is happening. So that's why I'm saying it's a very special day, and for special efforts, even not only in India, at the global level, our ministry is getting this award, in fact, and recognition is getting. Fourth specialty is Dr. R.K. Soni's contribution. Dr. R.K. Soni sir, World Guinness Book of Record, that is recognizing your contribution. It is being said some 1,000 programs, online programs, where 1.5 lakhs teachers will be trained. And majority of the programs are in emerging areas. Probably, after today, no one will be able to break your record. और अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो शायद आरके सोनी ही तोड़ेगा. इससे बड़ा काम जो है नहीं कर सकता. एंड दैट टू विद मिनिमम कॉस्ट. इट इज नॉट ऑल इम्पोर्टेंट दैट 1.5 लाख टीचर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड आउट ऑफ 6 लाख. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट टीचर्स आर टेकिंग ट्रेनिंग थ्रू ऑनलाइन, बट द कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड दैट इज मिनिमल. 10 करोड़ रुपए में आप 1.5 लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे. आवर डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट विच इज इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू टेक्निकल टीचर्स. आई वॉज देयर फॉर 5 ईयर्स. एक साल में कभी भी हमने 300 से ज्यादा प्रोग्राम नहीं किए. एक साल में कह रहा हूँ, इन 365 डेज 300 से ज्यादा प्रोग्राम नहीं होते थे. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स टू हूम वी वर एबल टू कनेक्ट, वो नंबर होता था 3-4 हजार. एंड आवर बजट वॉज अराउंड 30 करोड़. आपने 1,000 प्रोग्राम कर रहे हो 10 करोड़ रुपए में, इट्स अमेजिंग. तो आपका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो आप ही तोड़ेंगे. It's very, very, very special. I'll be congratulating our honorable chairman for taking many initiatives in technical education, and majority of the initiatives which we people have taken under the dynamic leadership of Professor Anil Sastrabuddhe, those initiatives are in fact far, far ahead as compared to new education policy. It may be teachers training, it may be revamping of the whole curriculum, it may be emerging areas, it may be use of technology in education, it may be online education, it may be skilling of the students, it may be holistic approach in education related to values and sanskaras to the students, it may be innovation, it may be creativity, whatever it may be, you name any initiative which has been suggested in new education policy, every initiative, it is at a very, very high level of maturity. So we have started these initiatives 4 years back. New education policy is saying today. So probably our leader, he was dreaming around 4 years back that these things will be needed for the development of the country. Most of the initiatives we people have taken, I'll be requesting all the prominent academicians, including Professor Chaturvedi ji, Professor Sarma ji, that the way you people are extending your resources for the betterment of this technical education in the country, please continue this effort. It will change the shape and situation of the country, the dream which country is having, that our graduates will be dominating not only in India, anywhere in the world. That dream will be fulfilled. The dream will be fulfilled only if our strengths will be able to integrate. Alone, no one can do miracle. Alone, AICT won't be able to do anything. Till we'll be integrating our resources, our thought process, our strengths will be integrating, then certainly situation of the country can change. The dream of $5 trillion GDP will be fulfilled, and not only $5 trillion economy. Why not we'll be surpassing to US, where economy is $18 trillion. It will be possible certainly if we'll be doing efforts in the same fashion, the way we are doing, and this young human beings which we are having in the country, if they'll be converting into strong human resources, then I think country's dream will be fulfilled. Again, I'll be extending my sincere thanks to whole AICT team, specifically R.K. Soni ji, Tiwari ji, and Dr. Rajiv, Chairman Sahib, maybe also be available, maybe connected, maybe disconnected now, but it's a team effort. And all the directors, the prominent academicians who are connected today, who are extending their serious support, and finally the teachers who are connected. My dream is that whatever it is being added into their education, in their confidence level through these programs, please make those contents, that knowledge, to students. Students should feel competent, they should feel empowered. Then I think country situation will change. One suggestion I'll be giving to Manoj. Manoj, you are giving data that in your states, UP and Uttarakhand, 1,000 teachers have been trained in emerging areas. Probably it won't suffice our needs. In every program now we are saying that 20 credits addition will be, even with civil engineering, students can take artificial intelligence. In mechanical engineering, students can take robotics. So teaching those subjects, in fact, we need more number of teachers. You'll have to do exercise now. You'll have to send
one request to every institute that how many teachers are available in these areas, because 9 emerging areas we have made mandatory now, or request we have done to all the vice chancellors that you please provide this option to students so that they can take additional credits. But they'll be able to take only when teachers will be available. So please make sure that in this session, the teacher should be ready. And second one, the coordinators who are conducting these programs, this program is for 5 days. And I wish that contribution of industry also, it has to be in these programs. First of all, fundamentally, we people are quite strong, whatever the area may be, because we teachers are teaching these subjects in TS. Our fundamentals are strong. So out of 5 days, if 2 days our teachers can teach those fundamentals, then in these areas, what research is going on, prominent institutes of the country who are responsible for doing advanced level of research, please connect those institutes, please connect those resource persons. And even if some shortcomings are there in our country, you people can invite some experts throughout the globe also. And remaining 1.5 days or 2 days, please check those industries where they are utilizing this knowledge, where application of this knowledge in the industries. So then it will be a complete package. The confidence level of the teachers will be quite high. Final, my request from all the directors, some of the teachers may also come for the purpose of internship. Now in our teachers internship policy, mandatorily 1 month, every teacher will have to go into the industries, particularly in the subjects which they are supposed to teach. So they may also come in your prominent institutes. Please provide that sort of help also. I think with this sports, with this help, the situation of the technical education will change and will bring laurels for whole world. Best wishes. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspirational words. देश को क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति देने वाले यशस्वी शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारत को भारतीय ज्ञान परंपरा व अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित समाज बनाने के लिए प्रयासरत है। न सिर्फ भारत अपितु अन्य कई देशों के बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि नई शिक्षा नीति भारत को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधे योगदान देगी। शिक्षकों की गरिमा और ज्ञान को संवर्धित करना भी नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण पहलू है। देश को ऐसी शिक्षा नीति देने वाले माननीय शिक्षा मंत्री जी का वीडियो संदेश अब हम सभी सुनेंगे। एआईसीटी के चेयरमैन श्री अनिल सरस्वती जी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर एमपी पुनिया जी, सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार जी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र पी तिवारी जी, अटल अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार सोनी जी, आईआईटी त्रिची के निदेशक डॉक्टर नरसिंह शर्मा जी, आईआईटी रुड़की के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी, आईटी जम्मू के निदेशक डॉक्टर मनोज सिंह कौर और अटल प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक डॉक्टर गिरधारी लाल जी सहित आप सभी आईआईटी और IIIT NIT केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के जो लोग जुड़े हैं उन सभी को इस अवसर में बधाई देता हूं। जबकि EICT आज अटल अकेडमी जो शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में ठोस और बहुत महत्वपूर्ण कदम EICT ने उठाया है, उस अटल अकेडमी के तहत जो संकाय विकास कार्यक्रम के तहत आज 500वीं अटल FDP का उद्घाटन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे इस बात की भी खुशी कि अभी तक 499 कौशल सुधार के ये कार्यक्रम लगातार अध्यापक प्रशिक्षण के किए जा चुके हैं और आज 500वां ये उद्घाटन हो रहा है अकल अकेडमी का। ये जो 500वां आज उद्घाटन हो रहा है इसमें आपने 46 कोर्सेज को 46 विषयों पर आपने ये प्रोग्राम 46 प्रोग्राम का ये रखा है और जिसमें देश और विदेश से तमाम लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक देश भर में 70,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों को आपने ट्रेनिंग दिया है और ये सभी ऑनलाइन है।
मुझे लगता है कि इतना बड़ा बड़ा कदम कोविड के आने के बाद AICTE के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि AICTE ने इस चुनौती का मुकाबला करके और उसमें रास्ता निकाला और वो जो कठिनाई थी, जो चुनौतियां थी, उसको अवसरों में तब्दील करने की कोशिश की। ये जो फैकल्टी है, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं और नई शिक्षा नीति आमूल चूल परिवर्तनों के साथ ला रहे हैं, जैसे कि आपको सबको पता है, और उन आमूलचूल परिवर्तनों की दिशा में ये जो अध्यापक प्रशिक्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि छात्र को एक योद्धा के रूप में बाहर निकालना है फैकल्टी ने, तो वो सभी चीज पहले सक्षम तरीके से फैकल्टी को होना ही चाहिए, और इसलिए ये विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे उधर निष्ठा हो, चाहे अर्पित कार्यक्रम हो, निष्ठा भी हमारे पूरी दुनिया का अध्यापक प्रशिक्षण का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 42 लाख से अधिक अध्यापकों का प्रशिक्षण कर रहे हैं। अर्पित कार्यक्रम है, उसके अलावा ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत शुरू किया है, और मैं समझता हूँ कि इसमें 70,000 तो अभी आपने प्रशिक्षित कर दिए हैं, और आप 1 लाख तक का प्रशिक्षण कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो नई चीज़ें आ रही हैं नई शिक्षा नीति में, नए बदलाव के साथ जो सब नई चीज़ें आ रही हैं, वो चाहे अटल लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ब्लॉकचेन हुआ, रोबोटिक्स हुआ, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा विज्ञान हुआ, साइबर सुरक्षा हुआ, 3D प्रिंटिंग डिजाइन, मतलब तमाम चीज़ें जो बिल्कुल नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको किस तरीके से हमारे अध्यापक पूरी तरीके से विज्ञ हो सकते हैं, और इसलिए ये जो आज AICTE के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया है, जो ये उद्घाटन हुआ है, इसकी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। जितने भी अध्यापकगण प्राध्यापकगण इससे जुड़ रहे हैं, और जितने भी लोग तकनीकी के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें विदेश के भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे NIT के हैं, IIT के हैं, विश्वविद्यालयों के तमाम वरिष्ठ लोग हैं जो इस प्रशिक्षण में सहभागी होंगे, और अटल अकेडमी इसको बहुत तेजी से और आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप में जिस दिन हमारी अटल अकेडमी के कार्यक्रम सफलतम होंगे, उस दिन हमारा जो अध्यापक है वो बहुत ही समृद्ध होगा ज्ञान से, और जिस दिन ज्ञान से पूरी तरीके से वो समृद्ध होगा, उसके छात्र कहीं पीछे नहीं रहेंगे, प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहेंगे। वैसे भी आपको मालूम है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और हम इस संकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की परिकल्पना की है, जो सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा, श्रेष्ठ होगा, एक होगा, उस भारत का जो रास्ता मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप से होकर के जाता है। मुझे मालूम है कि आपने बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टअप जो है करवाए हैं, और आपके छात्र विभिन्न, जब मैं समीक्षा करता हूँ, और पीछे के समय में जो युक्ति 2 आपने शुरू करवाया था, और वो पूरे देश के लिए एक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म और आइडियाज की दृष्टि से लोगों को दिया, वो भी अपने आप में एक अद्भुत है। और AICTE ने इसी बीच कोरोना काल में एक के बाद एक तमाम परिवर्तन लाए, और साथ साथ में इन कठिनाइयों के साथ साथ में आप रास्ता भी निकालते रहे। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और अब जबकि नए भारत के निर्माण की दिशा में हम नए परिवर्तनों के साथ, नए आयामों के साथ, नई शिक्षा नीति जो इस देश की आधारशिला बनेगी, और वो ऐसा नहीं है जहाँ वोकल फॉर लोकल की भी आधारशिला बनेगी, वो आत्मनिर्भर भारत की और 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला बनेगी। वहीं पर आपको मालूम है कि ये जो हमारी नई शिक्षा नीति, ये नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, इम्पैक्टफुल भी होगी, इंटरेक्टिव भी होगी, इंक्लूसिव भी होगी, और इनोवेटिव भी होगी, और जो इसकी इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की धरातल पर खड़ी होगी, बहुत खूबसूरत नीति है। मैं छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूँ और अध्यापकगण से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने छात्र पूरा मैदान खाली है हमारे लिए,
आप जहां से वो पढ़ना चाहते हैं वहां से वो पढ़ाई शुरू कर सकता है, जब छोड़ के जाना चाहता है छोड़े लौट कर आना चाहता है तो लौटे फिर वहीं से शुरू करे, लेकिन प्रस्तुत वर्ष छोड़ता भी है तो वो निराश और हताश नहीं होगा, उसको एक वर्ष में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दो वर्ष में डिप्लोमा मिल जाएगा, तीन वर्ष में उसका डिग्री मिल सकती है, और बीच में भी यदि वो अपने करियर को फिर संभालना चाहता है तो जहां से यदि दो वर्ष से फिर वो शुरू करना चाहता है आ सकता है, उसका क्रेडिट बैंक उसका सब जमा होगा, जहां वो छोड़ के गया वहां से आगे शुरू कर सकता है। और शोध और अनुसंधान बहुत जरूरी है, अभी हमने ये जो होड़ मचाई है वो केवल पैकेज की होड़ मचाई, इस पैकेज की होड़ को पेटेंट की होड़ में हमको जोड़ना है। मुझे भरोसा है कि आप जब शोध और अनुसंधान करेंगे और हमारा हर चीज पेटेंट शुरू हो जाएगा तो एक नए भारत के निर्माण की दिशा में ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और वैसे भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत हो, चाहे इम्प्रिंट हो, चाहे इम्प्रेस हो, और चाहे तकनीकी दृष्टि से नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को गठित करके और नीचे तक तकनीकी कैसे जा सकती है और हमारे देश की तकनीकी शीर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंच सकती है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि अध्यापक गण का ये प्रशिक्षण भी है और जो लीड प्रोग्राम हमने किया था, जो लीडरशिप का भी कार्यक्रम किया था, मैं ये अनुरोध इस अवसर पर करना चाहूंगा कि नीति हमेशा अच्छी बनती है, नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन, इन दो के बीच आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, असली लीडरशिप आपकी है, आपकी लीडरशिप में वो कैसे करके जमीन पर नई शिक्षा नीति क्रियान्वित हो सकती है। और जो आप ये कर रहे हैं ये प्रशिक्षण है वो उसका ये हिस्सा है, और मुझे भरोसा है कि नई शिक्षा नीति बहुत जल्दी हम नीचे तक लेकर के जाएंगे और फिर एक नए भारत का उदय, और जो $5 trillion आर्थिकी वाला जो भारत है जिसको आज पूरी दुनिया देखना चाहती है, उस भारत की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर EICT के इन प्रयासों के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और जो अध्यापक गण इस प्रशिक्षण से जुड़ रहे हैं उनको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और जो प्रशिक्षण दिलाने वाले ये जो योद्धा हैं इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। और आपका स्वागत है हमारे उन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जो उनको साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 21 नवंबर को दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं AICT के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर गिरधारी लाल गर्ग जी से अनुरोध करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद नीतू मैम। मैं संगे छद्म, ऋग्वेद का ये अंतिम श्लोक है, इसका मतलब लेट्स मूव टूगेदर, हम सब आओ साथ चले। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव महोदय, आदरणीय भक्तागण एवं उपस्थित समस्त प्रिय साथियों, आप सभी की ऑनलाइन उपस्थिति से आज यह आयोजन अत्यंत सुशोभित रहा। इस कार्यक्रम के लिए हमारे दूरदर्शी, प्रियदर्शी, समदर्शी, पारदर्शी एवं सत्यदर्शी माननीय मंत्री जी ने अपने व्यस्तपूर्ण कार्यक्रम में से समय निकालकर इसकी आवा को द्विगुणित किया है। साथ ही उन्होंने सार गर्भित उद्बोधन द्वारा अटल FDP कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाने हेतु हमारा पथ प्रदर्शन किया है। इसके लिए मैं समस्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद परिवार से अत्यंत आभारी है। आपके इन प्रेरक वचनों के एक श्लोक का उल्लेख प्रशांत सिंह है, ऋषि नाम यत्न चित वाचराम अर्थानुधावते। यदि कोई ऋषि, यदि कोई अनुभवी आदमी अपनी भाषा में बोलता है तो उनका अर्थ अपने आप चले जाता है, उनके आशीर्वचन के द्वारा सरलता से कार्य सिद्ध होने लगते हैं। अतः आज आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के फलस्वरूप AICT परिवार निश्चित ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगमता से सफल होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद परिवार के अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में जैसा सभी को बताया, उनकी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति से ओतप्रोत हमारे अध्यक्ष श्री अनिल सरस्वती जी का सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारे साथ ही हमारे उपाध्यक्ष श्री MP पुनिया जी, सदस्य शशि राजीव कुमार जी, अटल टीम के सदस्य उत्साहवर्धन किया है एवं अपने अनुभव के द्वारा FDP को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहे हैं। अतः मैं हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव महोदय के प्रति समस्त अटल परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आपके अनुभवी सानिध्य में इस कार्यक्रम को निरंतर और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने में सक्षम होंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में एक श्लोक है संस्कृत का, उसकी बहुत भूमिका है।
आनो भद्रो कृत्वो यंतु विश्रुते, अर्थात सब ओर से कल्याणकारी विचार प्राप्त हो। इस क्रम में यह विशेष उल्लेखनीय है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी डायरेक्टर आईआईटी रुड़की, डॉक्टर मनोज सिंह गौड़ डायरेक्टर आईआईटी जम्मू, प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी बीसी सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी एवं डॉक्टर नरसिंह शर्मा जी डायरेक्टर ट्रिपल आईआईटी त्रिची, आईआईटी डायरेक्टर नागालैंड के वेणुगोपाल जी के विशाल सागर रूपी संक्षिप्त एवं अत्यंत सहज संबोधन के सागर के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यहाँ उपस्थित समस्त तकनीकी शिक्षकगण निश्चित ही लाभान्वित हुए हैं। अतः हम अटल टीम की ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारी अटल टीम के कैप्टन कर्मियों की डॉक्टर आर के सोनी एवं NWRO के अथक प्रयासों के द्वारा यह कार्यक्रम उस ऊंचाइयों तक पहुंच सका, समस्त अटल टीम की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के समस्त क्षेत्राधिकारी, FTP आयोजित करने वाले समस्त इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के प्रबंधक, फैकल्टी मेंबर्स तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तकनीकी शिक्षकगणों का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद परिवार उनके सतत सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। अतः मैं अटल टीम के समस्त सहकर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके निरंतर अथक प्रयास के द्वारा ही आज इस FTP कार्यक्रम को सुगमता के साथ सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सका। ई गवर्नेंस सेल की टीम ने पोर्टल डेवलप किया, हम उसके FTP का सफल संचालन किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। मीडिया सेल मीडिया एजेंसी कार्यक्रम ने देश के कोने कोने जुड़े सफल बनाने में सदैव सहयोग प्रदान किया, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के समस्त ब्यूरो सेल साथ ही परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से हमारे कार्यक्रम में सहयोगी सहभागिता की उन सबके लिए हृदय से आभार। अंत में लोका समस्त सुखी रहो भवंतु, धन्यवाद। Thank you.